पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां रह रहे 26 लाख भारतीयों को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत कई समझौते करने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार 2016 में वे सऊदी अरब गए। इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात 5 बार हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, क्राउन प्रिंस से उनकी पहले हुई गर्मजोशी भरी मुलाकातें उन्हें याद हैं और इस दौरे में हम एक बार फिर से उसी जोश के साथ मिलने जा रहे हैं। वो इसे लेकर आश्वस्त हैं कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 26 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बनाया है। यहाँ की प्रगति में ये भी अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय हर साल हज यात्रा पर और कारोबार को लेकर यहाँ आते हैं। उनका ये संदेश है कि आपने सऊदी में जो जगह बनाई है उस पर भारत को गर्व है। इनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण सऊदी में भारत का सम्मान बढ़ा है और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने में मदद मिली है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सऊदी से आपका संबंध इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।